हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, मैं लेसनर था, एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना एक और नया बकचोदी वाला वीडियो लेकर। हाँ तो गाइस, हम आज जिस घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नॉर्मल ही हम सभी के लाइफ में घटती है। और तो और बेंचो, सबसे बड़ी चुदापा वाली बात तो ये है कि हम सभी को इस चुदापा में शामिल होना होता है। हाँ तो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ शादी के बारे में, शादी यानी कि मैरिज। तो आइए शुरू करते हैं। चुतियापुर में रहने वाले कुछ साइंटिस्टों ने यह पता लगाया है कि शादी एक ऐसा बैन बजा त्यौहार है जिसमें बकरे को पहले से ही पता होता है कि आज उसकी हजामत होने वाली है, फिर भी वह अपना पिछवाड़ा लेकर मंडप पर बैठ जाता है। और तो और बैंचो, अगर आप हलाल होने वाले बकरे के सामने सनी लियोन को भी लाकर रख दो तो वो उसे भी नोटिस नहीं करता। बैंचो, उसकी नज़र तो हमेशा घड़ी की सुइयों पर रहती है कि कब रात हो और वो अपना कबड्डी का मैच स्टार्ट करे। बैंचो, सलमान खान को छोड़कर आजकल किसी की भी शादी हो सकती है, चाहे वो मुठ्ठल सूरज हो, चाहे वो प्यारे मोहन मालपानी, कोई भी शादी कर सकता है आजकल। अभी आजकल की लड़कियां भी काफ़ी समझदार हो गई है। पहले के ज़माने के टाइम पर लेसनर, लड़कियां तो ऋतिक, शाहरुख या अभिषेक के सपने देखा करती थी, लेकिन आज के टाइम पर लड़कियों का दिमाग साउथ अफ्रीका के जंगलों में चला जाता है। अगर आप उनसे पूछ भी लेते हो इसके बारे में तो बेंचो वही घिटा पिटा सा डायलॉग बाबा आदम के ज़माने की, मैं ज्वाला के दिल से प्यार करती हूँ, उसकी शक्ल से नहीं। पागल, ज्वाला का दिल क्या कोहिनूर के हीरे से बना हुआ है? नहीं, तुम ये एक बात बताओ, तुम ज्वाला के दिल को छोड़कर हम सभी लड़कों के दिल में क्या चाइना का वायरस दौड़ता है? अभी दुल्हा दुल्हन को कुछ भी हो, कुछ लोग होते हैं जिन्हें इस चुदापा से बहुत ही फायदा होता है कुछ लोगों को इस चुदापा वाली शादी से। जैसे कि अगर रात को शादी हो तो ऐसे लोग पूरा दिन भूखा रहते हैं। बेंचो 200 रुपये का बर्तन लेके आ जाते हैं शादी में और भोसड़ी के उस बर्तन को ऐसा पैक करते हैं जैसे टाइटेनिक का कोई हार्ट ऑफ ओशन लेके आ रहे हो। और तो और बेंचो, ऐसे लोग अकेले नहीं आते, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं आते। कितने आदमी थे? 10 थे सरकार। फिर भी वापस आ गए? खाली हाथ? नहीं, सरकार, हम सब ने बहुत खाना खाया, बहुत पेट भर कर खाना खाया सरकार। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000। सरकार, हमने 9-10 हजार का खाना तो वैसे भी खा लिया, अब नेक्स्ट इनविटेशन जब आएगा तो हम उसको भी पूरा कर देंगे। लोग शादी में गोलू मोलू डोलू लोड़ू सबको लेकर आते हैं। इनका खास बात यही होता है कि अगर इनके सामने कोई टाइम बम भी लाकर रख दे तो फिर भी बेंचो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी नज़र तो शादी के खाने में रहती है। नहीं, ये हो क्या रहा है ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, एक तो किसी की ज़िंदगी की पूरी आज़ादी का खून हो रहा है, ऊपर से ये अपना हिलाने चले आते हैं यहाँ पर। और तो और बेंचो, ऊपर से ये खाने के बाद ये कहते हुए घूमते हैं, भाई खाने में तो बहुत तीखा हो गया। उसकी बीबी भी यही कहती है, नहीं जी तीखा नहीं, उसमें खाने में नमक थोड़ा कम था। बेंचो भले ही उनके घर में प्याज के साथ सूखी रोटी खाते हो। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, एक तो ऊपर से अपना भैंस वाला पैटमपुर लेकर आ जाओ, उसे अच्छे से भरो, बाद में खाने की बुराई करो, ये नाइंसाफ़ी है भाई, ये एकदम नाइंसाफ़ी है। मैं ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं देख सकता मैं ऐसी नाइंसाफ़ी। सुनार के बच्चों, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक्स मारें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।